लोकल एसी का बेसिकली मतलब लोकेशन बेस्ड ए ही है जो कि असल में लोकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है और लोकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि गूगल मैप्स है गूगल मैप से बेहतर अगेन अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है बिंग के भी मैप्स हैं एप्पल के भी मैप्स हैं लेकिन वो इस तरह से आपको फीचर्स नहीं देते यहाँ तक कि फ़ेसबुक के भी मैप्स अवेलेबल हैं वो फेसबुक भी ओपन सोर्स डेटा मैप्स का यूज़ करता है और फेसबुक में भी जब आप बिजनेस लिस्ट करते हैं वो भी आपको मैप के ऊपर एक पिन लोकेशन देता है लेकिन अगेन वो सब सर्चेबल नहीं है अगर हैं भी तो वो बिंग और जो एप्पल है वो इतना सर्च एज अ सर्च इंजन यूज़ नहीं होते और बिंग के मैप्स जो वो अगेन इतने मेच्योर भी नहीं हैं सो so, होता क्या है कि अल्टीमेटली गूगल ही ऐसी प्रोडक्ट बचती है जो कि एक स्टैंडर्ड सेट करती है और हमें भी इसी को देखना है क्योंकि जब हमसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे या हमें पैसे देंगे जिस काम के लिए हमने भी उनको रिज़ल्ट दिखाने हैं उस, है उस दिखा जगह पर जहाँ पर एक्चुअली हमें रिज़ल्ट uh, मिलेंगे सो लोकल ऐसी बेसिकली इन शॉर्ट वो सब चीज़ें जो हम लोकल uh, एस को बेहतर करने के लिए मतलब लोकल लिस्टिंग को बेहतर करने के लिए जो कि हम बिजनेस लिस्टिंग गूगल मैप्स के ऊपर बनाएंगे जो भी हम काम करेंगे उसको लोकल एस में काउंट करेंगे उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म डिफरेंट है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो उसके मुताबिक कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी तो इन शॉर्ट जब भी आप कोई लोकेशन बेस्ड चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल आपको इस तरह का रिजल्ट टिकर करता है जिसमें वो आपको लोकेशन दिखाता है मैंने फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट सर्च किया तो रेस्टोरेंट में आप देखिए मेरे पास मेरे आसपास के रेस्टोरेंट मुझे लाहौर में नजर आए अगर आप इसको पिन पॉइंट करते सपोज कि आप अपने रेस्टोरेंट लिखते अपने लोकेशन के अंदर अपने मोहल्ले के अंदर अपने टाउन के अंदर तो वो आपको गूगल मैप्स उस दर से लोकेशन एग्जैक्टली दिखाता अगर आप मोबाइल से इसको सर्च करेंगे या आपने अपने डेस्कटॉप टॉप पर गूगल को मोबाइल की एक्सेस दी हुई है सॉरी लोकेशन की एक्सेस दी हुई है तो गूगल आपकी लोकेशन आपके डेस्कटॉप से भी ट्रैक कर सकता है और आपको आसपास रिजल्ट्स दिखाएगा तो ये अगर आपका बिज़नेस या जिस बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं वो लोकेशन बेस्ड बिज़नेस है तो गूगल मैप्स के ऊपर ना होना इज़ लाइक अ सुसाइडल मोड कि आपका ना होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि आपके सारे कंप्यूटर्स गूगल मैप्स के ऊपर होंगे और वो एक एडिड लिस्टिंग अपनी रैंक करवा रहे होंगे जिस तरह से वीडियो की एक एडिड लिस्टिंग रैंक होती है तरह से मैप्स की भी एक एडिड लिस्टिंग रैंक होती है अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जो कि लोकेशन ओरिएंटेड है जिसपे गूगल आपको खत भेज के कंफर्म कर सकता है कि आपका एड्रेस है तो आप उसको लाजमी रजिस्टर करवाएँ अगर आपका नहीं भी है और आप सर्विस बेस्ड कंपनी है फॉर तो एग्ज़ाम्पल आपका एक ऑफिस तो है लेकिन लोग चल के आपके पास नहीं आते आप चल के लोगों के पास जाते हैं जिस तरह से होम डिलीवरी सर्विसेज होती हैं या ऐसी सर्विसेज जो आप घर बैठे अवेल कर सकते हैं वो लोग भी गूगल को गूगल उनको भी कहता है कि वो भी रजिस्टर करें और फिर जब वो रजिस्टर करते हैं गूगल उनसे पूछता है कि आप किस किस एरिया में सर्व करते हैं वो जहाँ जहाँ सर्व करते हैं वहाँ वहाँ अगर कोई उस सर्विस से रिलेटेड सर्च करे तो वहाँ पर उनको वो भी नज़र आते हैं मैं आपको कुछ नेक्स्ट uh, टॉपिक में बताऊंगा कि किस तरह से आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है और उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है तो so, फिलहाल ये अंडरस्टैंड कर लें कि रेगुलर एस में और लोकल एस में ये फर्क है रेगुलर एस वेबसाइट के सी होती है जबकि लोकल एस सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बेस्ड जो लिस्टिंग आपकी जो कि गूगल मैप्स या इससे रिलेटेड आपने कोई और लिस्टिंग बनाई है तो उस सबको आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो उन, उन सबको आप लोकल एस में काउंट करते हैं